इस समय की सबसे बड़ी और दुखद खबर ये आ रही है कि पानीपत के सेक्टर 23 की टीडीआई में रहने वाले एक युवक ने सुसाइड कर लिया है, जिसके बाद से जो है सिविल अस्पताल में लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर युवक के शव को लाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि पूरा मामला क्या है, तो आपसे अपील इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको बता दें कि पानीपत शहर में एक युवक ने सुसाइड कर लिया है। युवक ने खुद को पिस्तौल से संदिग्ध परिस्थितियों में गोली मार ली है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है और खून से लथपथ हालत में युवक को कमरे में पड़ा देख परिजनों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर FSL टीम को भी बुलाया गया। दोनों टीमें मौके पर साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को वहां से सिविल अस्पताल के लिए लाया गया है, जहां उसका पंचनामा भरवाकर शवगृह में शव को रखवा दिया गया है। फिलहाल जो है पुलिस मामले की आगामी कार्रवाई में जुट गई है। तो आपसे अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिलहाल जो है उनके परिजनों से बातचीत की गई है, परिजनों का क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं तो इनका मामा बोल रहा हूँ, आशु का। ये 11 बजे घर पे आया रात को, इन्होंने फोन किया मम्मी गेट खोल दो, अपनी मम्मी को फोन किया मम्मी है किल्ली, हमारे जीजा जी की डेथ हो रही है, खेत समर्पित सारी का बंसल उसकी बहन है जो घर में सेंटर बना रखा है ब्रह्मा कुमारी का, तो उन्होंने गेट खोल दिया। माने ये अंदर गया, अंदर जाकर मम्मी ने इसके ने पूछा, हमारी बहन ने निर्मला बंसल ने पूछा बेटा खाना लगा दूँ, बोले ना मम्मी खाना नहीं खाना। मैंने ये 11:15 बजे अपने रूम में चलेगा, बहन अपने रूम में गई, हमारी बहन जी सारी का अपने रूम में चली गई। ये 2 महीने से डेली सुबह मंदिर में जा रहा था, सुबह मंदिर जा रहा था 2 महीने से, 7 महीने में सुबह बहन ने 10:30 बजे इसको फोन लगाए, फोन नहीं पाया, फिर दरवाजा खटखटाया, दरवाजे ने खोलिया, बहन के पास डुप्लीकेट चाबी थी, उसने चाबी से खोल लिया अंदर, इसने अपने आप अपने गोली मार ली और वहाँ 10 पोजिशन में पड़ा था। ये नहीं पता इन्हें 12 बजे गोली मारी, 1 बजे मारी, 2 बजे मारी। हमें तो घर का कोई वातावरण ऐसा नहीं था जिससे नेगेटिव वातावरण हो, खुशहाल परिवार है, रोजगार की तरफ से कमी नहीं थी, न ही घर की तरफ से कमी थी। अभी 1.5-2 साल से TDI में 2.5 गज का मकान बना लिया है तीसरे फ्लोर पर, किसी तरह कुछ नहीं, कुछ नहीं। मृतक की पहचान आशीष बंसल, जिसकी उम्र 30 से 32 के करीब बताई जा रही है। मृतक सेक्टर 23 की TDI में रहता है। बीती रात को वो अपने घर पर अपने कमरे में था, परिवार में माँ भी घर पर ही थी, वो अपने कमरे में सो रही थी और सोमवार सुबह निर्धारित समय पर आशीष नहीं उठा, ना ही उसके कमरे में कोई हलचल हुई। परिजनों को लगा कि शायद वो सो रहा है, मगर जैसे जैसे दिन चढ़ता गया परिजनों को किसी अनहोनी की आशंका होती रही। परिजनों ने कई बार दरवाजा भी खटखटाया लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, फोन भी किए लेकिन वहां भी जवाब नहीं मिला और दरवाजा भी अंदर से बंद था। इसके बाद किसी तरह दरवाजे को खोला गया तो देखा कि भीतर कमरे में वो खून से लथपथ हालत में पड़ा हुआ था। उसके दाहिने हाथ में पिस्तौल थी और उसके सिर में गोली लगी हुई थी। अभी युवक के खुद को गोली मारे जाने का कारणों का खुलासा नहीं हुआ है। फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं पानीपत के सिविल अस्पताल से, जहां पर युवक के शव को लाया गया है और सिविल अस्पताल के मोर्चरी हाउस में शव को रखवा दिया गया है। फिलहाल जो है तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिजन मौके पर मौजूद हैं और अभी तक कारणों का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार युवक ने अपने आप को गोली क्यों मारी है। तो आपसे अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।